आज ही के दिन 1932 में मशहूर संगीतकार जय किशन का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम जय किशन दया भाई पंकल था। इन्होंने अपनी जोड़ी संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी के साथ मिलकर बनाई और शंकर जय किशन नाम से शोहरत हासिल की। जय किशन की शंकर से मुलाकात एक जिम में हुई थी और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। फिल्मों में काम पाने के लिए शंकर गुजराती फिल्मकार चंद्रवदन भट्ट के पास गए, वहीं जय किशन भी फिल्मों में काम की तलाश में आए हुए थे। बातों बातों में शंकर को पता चला कि जय किशन हारमोनियम बजाते हैं। पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम मास्टर की जगह खाली थी। शंकर के प्रस्ताव के बाद जय किशन पृथ्वी थिएटर में काम करने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी थिएटर के परचम तले शंकर और जय किशन साथ साथ काम करने लगे। मेरी आंखों में बस गया कोई रे, जिया बेकरार है, छाई बहार है, मुझे किसी से प्यार हो गया, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, आदि इस जोड़ी की बेहतरीन धुनें हैं। इस जोड़ी को 9 बार फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के सम्मान से नवाजा गया। जय किशन और शंकर की जोड़ी ने 170 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। आज ही के दिन 1952 में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA अस्तित्व में आई थी। कर्मचारियों और बजट के लिहाज से अमेरिका की यह सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को रिपोर्ट करती है। NSA के पास अंतर्राष्ट्रीय खुफिया कामों के लिए दुनिया भर से जानकारियां जुटाने और उनकी छानबीन करने की जिम्मेदारी है। अमेरिकी धरती पर मौजूद किसी शख्स के संचार के बारे में जानकारी रखने का काम भी NSA का है। इस काम के लिए संस्था के पास दक्ष पेशेवर और उच्च तकनीकी सुविधाएं हैं, जिनकी मदद से यह ईमेल, मोबाइल से लेकर तमाम तरह के संचार साधनों से सभी तरह की जानकारियां एकत्रित कर सकती है। NSA के प्रमुख अमेरिका की साइबर कमांड और सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस के भी प्रमुख होते हैं। 1995 में आज ही के दिन इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यिट्साक रबिन की एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। हादसे के तुरंत बाद रबिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस बंदूकधारी ने रबिन पर गोली चलाई थी, वो पश्चिमी तट की एक अवैध यहूदी बस्ती का था। दरअसल जिस रैली को यिट्साक रबिन संबोधित कर रहे थे, उसका मकसद फिलिस्तीनियों के साथ शांति स्थापित करना था। हालांकि सुरक्षा इंतजाम कड़े थे, लेकिन रैली से कुछ ही दूरी पर इस शांति संधि का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन करने की इजाजत भी मिल गई थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस हादसे के बाद कहा था, यिट्साक रबिन ने शांति स्थापित करने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। आज ही के दिन 2008 में बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। ओबामा अमेरिकी इतिहास में पहले अश्वेत उम्मीदवार थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भारी मत मिले थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 वर्षीय ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के जॉन मैकिन को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी थी। ओबामा की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उनका स्वागत किया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मैकिन ने इसे अमेरिका के इतिहास में काले अमेरिकियों के लिए बेहद अहम पल बताया था। ओबामा ने ऐसे समय में अमेरिका की बागडोर अपने हाथों में ली थी, जब अमेरिका एक बड़े आर्थिक संकट के साथ साथ चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई की रणनीति बदलने पर विचार कर रहा था।